असल मैं आपके अपनी होस्ट रानी एडवोकेट आपके पसंद यूट्यूब चैनल लीगल वे इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाहिद अफजाल खान साहब के ऑफिस में जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध सिंह डिस्ट्रिक्ट सेंटर से सर अम्मिक कैसे हैं नाहिद साहब अल्लाह का शिक्षा क्या सोच क्या जज्बा क्या मंशूर लेकर इस मैदान में आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स आप उतरे हैं आप अपनी जबानी बताइए जज्बा या शौक शौक वक तो नहीं ना ना जज्बा बात दरअसल ये है कि बार कौंसल एक स्टेचरी बाडी है वो कोई पॉलिटिकल अदारा है नहीं वहाँ कोई सियासत तो होती नहीं है वहाँ तो काम होता है काम क्या है काम जनाब वकालत में जब कदम रखता है कोई वकील तो उस वक्त से बार कौंसल शुरू होती है बार कौनसल उसको लाइसेंस देती है उसका इम्तहान लेती है और उसको पाबंद करती है कि वह अपने किसी भी ज़िले का मंबर बन जाए और इसके बाद जब वो ज़िले का मैंबर बनता है तो उसके ऊपर नज़र रखती है वो साल भर हमारे वाजबात अदा करता है लाइसेंस की फ़ीस अदा करता है और उसके यानी उसकी, उसकी बेहतरी के लिए एक फ़ंड होता है बेनिवल फंड जो होता है वो उसकी मद में हमें हर माह पैसे देता है बार कौंसल को वो उसकी रिटायरमेंट पे या उसके बिल्कुल आखिरी दिनों में या उसकी डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स को मिलते हैं ये पैसे तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है करोड़ों रुपए का हमारा बजट होता है और ये इसके अंदर यानी बड़े सीनियर वकला हिस्सा लेते हैं तो यही सोचकर हमेशा हिस्सा लिया 2000 से 2005 तक मैं में मेंबर रहा और ये रिकॉर्ड की बात है जो भी मैंने वहाँ काम किया हर चीज़ रिकॉर्ड होती है हमारे यहाँ बार कौंसिल का इदारा ऐसा है कि जब उसकी मीटिंग होती है उसके इजलास की वो बनती है पूरा एक एक मिनट्स जो है वो लिखा जाता है तो मैंने उसमें तजवीज़ ये दी थी वो मेरी तजवीज़ उस वक्त चली बात के मेंबरान ने उसको ख़त्म कर दिया कि वकील को उसकी ज़िंदगी में ये जो पैसे देने का रिवाज है वो नहीं होना चाहिए ये जो पैसे हैं ये एक्चुअली उसके लीगल हेयर्स के लिए वकील जब दुनिया से जाता है क्या छोड़ के जाता है एक दफ्तर कुछ किताबें और कुछ यादें लेकिन अगर उसकी पास मरने के बाद उसके पास कुछ रकम हो तो उसके घर वाले जब तक कि वो उससे सदमे से बाहर ना आ जाएं उस वक्त तक उनके पास कुछ पैसे हों वो उसका जो छोड़ा हुआ सरमाया है उसमें सबसे ज़्यादा एक ये बी एफ फ़ंड होता है लेकिन हमारे लोगों में एक नया सिलसिला है कि साहब जो इसकी रकम है वो रकम लाख पौने दो लाख डेढ़ लाख बनती है कभी कभी दो लाख बनती है वो दो लाख रुपये उसको दे के समझते हैं कि साहब हमने अपना हक़ अदा कर दिया देखें आप पंजाब बार कौंसिल ने इस कोविड नाइन्टीन में कितना बड़ा काम किया ये पैसा जो हमारा वहाँ रखा हुआ है अगर हमारा वहाँ पाँच लाख रुपए रखा हुआ आप पचास पचास हज़ार रुपये हर वकील को दे देते और इस पैसे को पचास हज़ार को वापस भी आ सकते थे एडजस्टमेंट भी हो सकता था तो ये होता कि ये जो बुरा वक्त ही गुजर जाता लेकिन क्या हुआ वकील धक्के खाते रहे बार कौंसिल के और उनको बहुत बेजत करके दस हज़ार दिया गया दस हज़ार रुपये दिए गए वो भी अपने शिकायतें ये हैं कि अपने मनपसंद लोगों की तो जब ये वेलफेयर इदारा ही बार के मेंबरान की वेलफेयर ना करे तो फिर वकला कहाँ जाए देखिए ना वकला तो एक प्राइवेट यानी सर्विस का नाम है हमारी सर्विस जो है वो पब्लिक के लिए होती है हम कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद हमको एक बड़ी अच्छी खासी रकम जो है वो बतौर पेंशन मिल रही है क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे पैसे कट रहे हैं हम अपनी लाइफ में पैसे देते हैं ये जो स्कीम है ये जो पाँच लाख की स्कीम है ये हमारे ही पैसे हैं ये पैसे कोई सरकार ने नहीं दिए ये कोई हाई कोर्ट्स ने नहीं दिए ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये हमारा ही पैसा है जो बैंकों में पड़ा है और बढ़ रहा है डबल हो रहा है हम पर अगर हमें ये हमारे मरने के बाद अगर वकीलों को पैसा देती है बार कंसल तो कोई एहसान नहीं करती ये लीगल हेयर्स को चेक दिया जाएगा ये सब ये आपका पैसा था आपके शोहर का या आपके वालिद का जो हमारे पास था ये आप दे दीजिए ये तरीका होना चाहिए एक रिस्पेक्टेबल बनो चाहिए हमारा बड़ा नोबल प्रोफेशन है समझते हैं कि एक मजदूर जो कि जॉब करता है फैक्ट्री में उसका भी पैनल सिस्टम होता है इलाज का लेकिन हम सिंध बार वाले जो हैं सिंध बार के मेम्बर जो सिंध बार की कमेटी है उस हवाले से वो पच्चीस हजार रुपये पूरी लाइफ में मेडिकल के देते हैं जबकि यहाँ कोई पैनल सिस्टम नहीं है कम से कम आगा खान नेशनल हॉस्पिटल को या किसी और हॉस्पिटल को उसमें पैनलाइज सिस्टम होना चाहिए इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर आप जीत कर आते हैं इस आ, आप कंटेस्ट करते हैं और जीतते हैं तो आपके मंशूर में क्या ये मेडिकल के हवाले से कुछ आपने सोचा हुआ है देखिए मैं ये तो नहीं इस वक्त ऐलान करूंगा कि मैं एक हॉस्पिटल बना दूंगा लेकिन मैं एक बहुत अच्छी तजवीज़ मेरे दिमाग में है अंदर एक क्लिनिक बनाया जाए उसके हाई कोर्ट के जो अखराज की मद में है उस क्लिनिक के अंदर ख़ास तौर पर ऐसी अमराज का बेहतरीन इलाज हो जो आम तौर पर सिक्सटी प्लस के हजरात को पेश आती हैं जैसे दिल के अमराज हैं जैसे शुगर के हैं जैसे हाई ब्ल ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है और इस किस्म के डिजीज़ हैं प्लस आई के जो डिज़ीज़ हैं आँखों से मुतिक क्योंकि हमारे वकील वकील बनते बनते तीस चालीस साल के तो वैसे हो जाते हैं बीस साल की वकालत के बाद उनकी उम्र है साठ साल हो जाती हैं तो इस किस्म के डिज़ीज़ का इलाज हाई कोर्ट के अंदर एक बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन जो मेडिकल फैसिलिटी पर मुबनी कोई आ, क्लिनिक हो सकता है वो आ, बनाया जाए और उसके अखराज हाई कोर्ट में जिसके अंदर ई की मशीनें हों ब्लड प्रेशर के पूरे सामान हों और फिर दवाएँ भी हों क्योंकि जो बड़े बड़े वकलाए हैं पाकिस्तान हर पाकिस्तान के अंदर जो जो वकलाएँ हैं उनके वो उनके पास उनकी वकालत इतनी है कि वो अपना इलाज मुल्क से बाहर भी जाके करा लेते हैं और बल्कि अब तो बरदर मुल्क पड़ोसी मुल्क में इंडिया में जाकर बहुत सारे यानी ख़तरनाक अमराज़ के ऑपरेशन वहाँ करवाए जा रहे हैं लेकिन मेरी तजवीज़ यह है कि चारों सूबों की कोर्ट पाबंद हो कि वो एक बहुत ही यानी जदीद सहूलतों तो से आरास्ता हॉस्पिटल और क्लिनिक बनाए जहाँ वकीलों का इलाज मुफ्त होता हो या एक यानी मामूली कीमत के ऊपर होता हो उसको हर सहूलत हो लेबॉट्री हो वहाँ बेहतरीन किस्म की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री हो जहाँ उसके तमाम टेस्ट हो तमाम इलाज दफ्तर तो है वहाँ जगह है एक ये जो अभी नई बिल्डिंग बनी है हमारे यहाँ हाईकोर्ट एन एक्सी -E के बराबर में नई बिल्डिंग है जहाँ सिर्फ स्टाफ ही स्टाफ है जहाँ स्टाफ ही स्टाफ है स्टाफ के लिए इतना बड़ी इमारत बनाई है स्टाफ के लिए इतने एयर कंडीशन लगाए गए इतना बेजा पैसा का अखराज हुआ है ज़रूरत ही नहीं है आप उसके एक पोर्शन को एक बड़ी सी बिल्डिंग को क्लिनिक डिक्लेयर करें उसमें तमाम सहूलतें दें कोई ज़रूरत नहीं होगी डॉक्टर ये जो भी वकील हैं अब रह जाएगा अब जैसे ये दारोखलाफा में तो अब रह जाएंगे यानी सूबे के दो मुख्तलिफ इलाके में तो जहाँ जहाँ देखिए ना सर्किट हाई कोर्ट होती है अब हैदराबाद में हाई कोर्ट है शक्कर में हाई कोर्ट है लाड़काना में हाई कोर्ट है बासानी वहाँ का वकील जो है फ़ायदा उठा सकता है हर हाई कोर्ट के अंदर एक क्लिनिक बनाया जाए वहाँ वकील अपना इलाज तो मसला हल हो गया बजाय एक्सप्राइडिशन के बजाय लच्छेदार गुफगू के बजाय झूठ बोलने के सच्ची बात है कि कराची समीत सिंध के जहाँ जहाँ हाई कोर्ट की सर्किट ब्रांच हैं वहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए क्लिनिक बनाया जाए और सब जदीद सहूलतें दी जाएँ इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्लिनिक हो क्लिनिक हो, हो 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 सब कुछ ऑपरेशन थिएटर जाएगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास कोई मसला नहीं आप नाइ साहब सिंध बार के जो इलेक्टेड मेंबरान जो एक कमेटी बनाते हैं तो नए आने वाले जो लॉयर्स एक सुनहरी ख्वाब लेकर इस फील्ड में दाखिल होते हैं तो उनकी रिटर्नरशिप के हवाले से उनकी वकालत के हवाले से और उनकी जो दरपेश मसाइल होते हैं उस हवाले से सिंध बार ने अब तक कोई पेशर काम किए आप क्या समझते हैं मैंने आपसे कहा कि सिंध बार काउंसिल अपने वकला की वेलफेयर का एक इदारा है अब वेलफेयर में ये भी आता है कि जो न्यू कमर्स हैं जो नए वकील हैं जो अभी इस पेशे में दाखिल हुए हैं और जिनके पास अभी वकालत इतनी ज़्यादा उनके पास केसेस नहीं हैं उनके लिए एक सहूलत ये हो सकती थी कि ये जो छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ हैं इंडस्ट्रीज़ हैं और इदारे हैं बैंक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उनकी रिटर्न रिटेनरशिप यानी उनकी तरफ से वकील फायज होने का जो है वो उनको दिलाया जाए लेकिन ये इसलिए भी शायद नहीं हो सका कि शिकायतें हमें ये मिली हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी लॉयर्स की जो कंपनियां हैं उन्होंने सारी रिटर्नरशिप जो है वो अपने पास हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इससे इंसाफ करने के लिए मरहूम अमीन लखानी ने एक पटिशन हाईकोर्ट में दाखिल की थी वो पटिशन बहुत अर्से तक चली बाद में उसका फ़ैसला भी हुआ और उसके लिए यानी जो मुतलका इदारे हैं उनसे कहा गया हाई कोर्ट से कहा गया रजिस्ट्रार से कहा गया कि आप सार्ट आउट करें कि रिटेनरशिप किसकी कितने पास है और कितने नए वकीलों को ज़रूरत है तो नए वकीलों को तो ना कोई रिटेनरशिप दी जाती है ना उनको प्लॉट दिया जाता है ये एक दफ़ा एक आप तशील लाए थे ग्राजी वार में उन्होंने भी प्लाट देने का कहा है कि भाई पाँच सौ एकड़ ज़मीन दी जाएगी वो ऐलान करके चले जाते हैं अब इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले होते हैं जैसे हुकूमत सिंध है अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करे तो इससे ये तो हो कि हमारे कुछ जूनियर वकला के हाथ में एक कोई प्लॉट आ जाए तो जब प्लॉट आ जाएगा तो वो भी सिंध की ज़मीन पर एक सौ दो सौ तीन सौ चार सौ गज़ ज़मीन का एक प्लाट के मालिक हो जाएंगे जो उनके काम आएगा मुझे देखें मेरे पास इस सूबे में इस शहर में सौ गज़ का भी प्लाट नहीं है मैं प्लाटलस वकील हूँ मेरे थर्टी फाइव ईयर स्टैंडिंग है मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है मेरे पास कोई बंगला नहीं है मेरे वाले साहब का मकान है मैं उसमें रहता हूँ तो वजह यह कि ना कोई पूछता है हुकूमत सिंध के भाई वकीलों के क्या मसाइल हैं तो आपको क्या तकलीफ़ हैं ना हमारे ये जो इदारे हैं कराची बार या सिंध बहार या हाईकोर्ट बार या सुप्रीम कोर्ट बार या, या पाकिस्तान बार वो ना जाकर हमारा केस पेश करते हैं भाई आखिर दूसरों को भी तो हुकूमतें देती हैं दूसरे इदारे हैं दूसरे रिटायर्ड यानी सर्विस वाले लोग हैं और दूसरी तनजीमें हैं दूसरी एसोसिएशन हैं एन जी ओज़ हैं उन सबको मिलता है समझते हैं बार के इलेक्शन में नए लोगों को आना चाहिए और जो रिपीट कर रहे हैं उन्हें रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में आप क्या कहना फरमाएंगे नहीं अगर अच्छी कारदगी है अच्छी शहरत है कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं है कोई आपने गलत काम नहीं किया जिस पर आपका ज़मीर आपको जो है तंग करे तो तो आए दोबारा भी आ सकता है तीसरी बार भी आ सकता है लेकिन अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम है चाहे वो खुद बुर्द का हो चाहे आपके काम ना करने की शिकायत का हो उन लोगों को चाहिए वो घर बैठ जाएँ और नए लोगों को मौका मिले नए लोग भी ऐसे नए लोग जो इस शोबे से थोड़ी सी दिलचस्पी रखते आए जिसकी प्रैक्टिस हो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो जो सीनियर हो और जो वहाँ जाकर काम कर सके लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया का यानी जीतने के बाद वो अपने वकीलों से हाथ मिलाना भी तोहन समझते थे एक वकील साहब तो हाथ में वो पेन पेन के आते हैं और हाथ मिलाते हैं तो अपने किसे अपने वकील भाइयों से हाथ मिलाते हुए आपको शर्म शर्माती तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अब घर बैठें अब दूसरों को मौका दें तो इनशल्ल तब बार कौंसल के लिए जो है हमारे वकला और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान वकला सही फैसला करेंगे हम में हम पढ़े लिखे लोग हैं डबल ग्रेजुएट हैं हम में सोचने समझने की पूरी सलाहियत है इन हमारा जो मंतखब नुमाइंदा होगा वो अच्छा नुमाइंदा होगा आप क्या समझते हैं नाही साहब के बार और एक बेंच दो एक मजबूत पहें हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे कि के हाई कोर्ट बार के जजेस का रवैया इवन के डिस्ट्रिक्ट बार के जजेस का रवैया वकलाओं के साथ नाजीबा रहा है इस बारे में बार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया या बर वक्त एक्शन नहीं लेती इसकी क्या वजह है देखिए हाँ हाई जो हाई कोर्ट के जजेज हों या दिल्ली सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेज हो दे आर एम्प्लॉज वो नौकर लोग हैं उनको तनख्वाह मिलती है उनके अपने अंदर एक सिस्टम है जिससे उनके खिलाफ जो उनकी कोई भी कोई एक्ट है उसके खिलाफ शिकायतें नोट की जा सकती है हम वकील जजेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हाँ हम एक्शन क्या ले सकते हैं एहतजाज कर सकते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा इदारा अच्छा हो कि आप भी जज हैं आपका इज़्ज़त और एहतराम बिल्कुल हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है लेकिन साथ साथ में जो वकील आपको एड्रेस कर रहा है उसकी भी तो कोई इज़्ज़त है ना अगर कोई जज मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ अगर कोई जज वकील की बेज़ती करता है तो वो कभी तो न रखे कि उसकी अपनी कोई इज्जत होगी अगर वो वकील की बेज़ती करे तो फिर वकील भी उसकी बेज़ती करेगा क्योंकि वकील कोई खुदा ना करे कोई ऐसा पेशा नहीं है वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसको हक है अदालत में बोलने का उसको हक है अदालत में अपना मुकदमा या अपने क्लाइंट का मुकदमा पेश करने के लिए और वो इतना ही इज्जत का मुस्तक है जितना वो सीट पर बैठा हुआ जज इज़्ज़त का मुस्तक है अगर हम उसको योर ऑनर कहते हैं तो जज को भी चाहिए कि मिस्टर काउंसिल कह के हमें मुखातिब हो कहाँ से चले आते हैं ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले जज को फिर यही जवाब वकील भी देगा कि कहाँ कहाँ से चले आते हैं और बैठ जाते हैं जज बनकर इसलिए पे रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट आप इज्जत दें बिल्कुल आपको इज्जत मिलेगी हमारा हर वकील जजों को इज्जत देता है इसलिए कि जजों की इज्जत से अदलिया की इज्जत मशरू होती है और अगर अदलिया की इज्जत नहीं होगी तो इस मुल्क में फिर किसी इदारे की इज्जत नहीं होगी इज दुनिया के हर मुल्क में हर महज़ब पढ़े लिखे मुल्क में अदलिया की बड़ी रिस्पेक्ट होती है जजेस की बहुत ही रिस्पेक्ट होती है यूरोप और अमेरिका को देखें कि जजेस की कितनी इज्जत है लेकिन वहाँ ये भी देखें कि जजेस वकला से कितनी इज्जत के साथ पेश आते मिस्टर काउंसिल इस तरह कह कह के उनकी जबान थकती है मिस्टर काउंसिल मिस्टर और यहाँ जजेस उठा के फाइल उठा, फाइल उठा के फेंकते ये बहुत बुरी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए चैनल के बारे में कुछ कहना फरमाएंगे कि हमने एक काविश की है कि ए एडवोकेट हम अपने वकील साथियों के इंटरव्यूज़ लें उनकी व्यूज़ ले, उनके ख्याल का एक तर्जुमानी लें आप क्या मेहमान इस बारे में कह रहा हूँ बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो मीडिया है वो तो ज़्यादातर हुकूमतों के मातहत है जेर असर है वो अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमारी बातों को काट देते हैं मुझे तो ख़ास तौर पर बिल्कुल उन्होंने इस तरह कहा हुआ है कि नायद अवज़ा ना आए एक बलोची चैनल मुझे देता था मेरा इंटरव्यू और वो भी बेचारा थोड़ा सा काटता था मेरी बात को लेकिन इस तरह के जो यूट्यूब सर्विस आ रही है ये जो सोशल मीडिया है ये इसने बड़ा काम किया है और इसकी ताकत का तो हुकूमत भी अब मानती है सोशल मीडिया जो है बहुत ताकतवर मीडिया हो गया है और इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें बातों को जो है सेंसर नहीं होता है जो बात आदमी के दिल की होती है लेकिन अगर मेरे दिल में बात है मेरी बात अगर पब्लिक तक जाए तो क्या बुराई है अगर मैं कोई गलत बात कहूँगा पब्लिक कहेगी ये गलत बात कह रहा है अगर मैं सच बात कहूँगा तो मेरी वाह वाह होगी अगर मैं कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं अपने मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन के खिलाफ कोई बात करूँगा लोग कहेंगे ये, ये वतन दुश्मन आदमी है तो इससे लोगों का अंदर की छुपी हुई यानी बातें भी सामने आ जाएंगी और वो कितना हुबुल वतन है कितना मब्बे वतन है ये भी सामने आएगी ये पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है हम इसके लिए हमारी जान हाजिर है लेकिन हम भी तो अपने मुल्क से ये तो रखते हैं कि वो बैस या शहरी हमारे क्या हकूक़ देता है हमारा मुल्क अगर शहरी की कोई इज्जत नहीं है एक आम सा सिपाही उठा कर ले जाए किसी भी शरीफ आदमी को और उसको झूठे मुकदमे में उसके ऊपर असला रख कर या उसके ऊपर कोई मंशियात रख के बंद कर दे तो फिर ये का मतलब होगा कि शहरी की जब इज्जत नहीं है जब मेरी शहरी की इज्जत नहीं होगी तो उस मुल्क की क्या इज्जत होगी मुल्क अपने शहरी को इज्जत दे शहरी अपने मुल्क को इज्जत दे बेहतरीन चलेगा दुनिया में यही होता है ये थे हमारे नायद अफजाल खान साहब जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानी पी ज्यादा साहिबा और आपका भी लीगल वे का जो ये यूट्यूब चैनल है आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बड़ी अच्छी बात है मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सर्विसेज को इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे वकील वकला क़्यादत है आइंदा की उनकी बात भी सामने आ जाती है और वकील भी आ, समझते हैं कि उनका आने वाला कायद या उनका आइंदा मुंतब होने वाला कायद के ख़्याल क्या हैं उसको बात करने की तमीज़ भी है उसके पास कोई मालूम इंफॉर्मेशन उसका कोई तजर्बा भी है ऐसे ही तो नहीं बस यानी इसमें जैसे भर्तियाँ होती हैं सियासत के अंदर कम से कम ये तो हो कि वकीलों को यह एहसास हो कि नहीं उनकी क्या अच्छी क़्यादत है और ईमानदार क़्यादत है और बासलायत क़्यात है थैंक यू सर मैं हैदर मैंने हैदराबाद से लॉ किया है और मैं यहाँ कराची में आई हूँ प्रैक्टिस के लिए सर नायद अफजाल खान मेरे सीनियर हैं और मैं मे, मेरी आपसे वकला हजरात से अपील है कि आप उनको वोट दे के और उनको कामयाबी दें के साथ खुशबू खोखर मौजूद हैं ये अपने ख्याल अपनी ज़बान में कहना चाहेंगी कुछ अस्सलाम वालेकुम माँ खुशबू खोखर फ्रॉम दादू माँ दादू का आई मुझे कराची में सर नाहिद अफजल जी सी जूनियर आसाना सीनियर सर आहें। आहें जो है सो सभी वकला हजरात के असि दरख्वास है तो प्लीज़ 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 प्लीज वोट असान सर नाद अफजल के दई सपोर्ट कामयाब